सोनपुर के सदाबहार जंगल में ढेर सारी पक्षियों का बसेरा था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया, मिठू तोता, कबूतर, चील और दुष्ट कौवा सभी अपने अपने घर में रह रहे थे। टूनी चिड़िया बहुत अमीर थी, उसके पास रहने के लिए पक्का घोंसला भी था और सभी साजो सामान जो जीवन में जरूरी हो सब था। कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर में नौकर का काम करता था। मालकिन जी, ओ मालकिन जी। बताओ कालू, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मालकिन जी, कुछ पैसे की जरूरत थी। अगर आप मेरी सैलरी में से काट कर कुछ पैसे दे देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ कालू, क्यों नहीं, ये लो 1000 रुपये और अपनी जरूरत पूरी करो। और हाँ कालू, जब भी कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताने में शर्माना मत, ठीक है? जी मालकिन, जरूर। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर सोचता है। आज मैं अपनी गौरी के लिए मस्त गरम गरम पिज्जा ले जाता हूँ, वो अभी खुश हो जाएगी। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से पिज्जा शॉप चला जाता है और एक पिज्जा लेकर वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। गौरी, ओ गौरी, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ कालू, क्यों शोर मचा रहे हो? और पिज्जा, ये पिज्जा तो बहुत टेस्टी लग रहा है। कहकर गौरी कौवी पिज्जा खाने लगती है। अरे वाह कालू, आज तो मजा ही आ गया। काश मैं ये पिज्जा हर रोज खा पाती, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ ऐसी। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था कि इस फकीर कालिया के गले मुझे बांध दिया गया। गौरी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं तो निकम्मा की तरह बैठा नहीं रहता। अगर किस्मत साथ दिया तो हम भी एक दिन बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ, टूनी की चपरासी करते करते तुम अमीर बन जाओगे। अगर मैं तुम्हारे जगह टूनी की नौकरी करती तो आज हमारे पास भी बहुत कुछ होता। तुम कहना क्या चाहती हो गोरी? अरे बुद्धू, टूनी के पास किस चीज की कमी है और तुम उसके नौकर हो। अगर ऐसे ही ईमानदारी से नौकरी करते रहोगे तो सैलरी के अलावा तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला और पूरी जिंदगी गरीब के गरीब ही रह जाओगे। हाँ तो मैं सैलरी पर काम करता हूँ तो सिर्फ सैलरी ही ना मिलेगी, पार्टनरशिप थोड़ी ना मिल जाएगी। देखो कालू, अभी मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करोगे तो हम लोग बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं। यह कहकर गौरी कौवी कालू कौवा के कान में अपना प्लान बताती है। ठीक है गौरी, अब तुम इतना ही कह रही हो तो ऐसा ही करता हूँ। यह कहकर कालू कौवा टूनी के घर चला जाता है। मालकिन जी, आप थोड़ा सा बाहर जाइए, इस रूम को साफ किए देता हूँ। ठीक है कालू। यह कहकर टूनी चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है और कालू कौवा घर की सफाई करने लगता है। अरे यार, अभी तो घर में कोई नहीं है, अब मैं थोड़ा सा पैसा अलमारी से निकालकर अपने पंखों में छुपा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। यह कहकर कालू दुष्ट कौवा टूनी की अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर अपने पास रख लेता है और बाहर आ जाता है। कालू, हो गई सफाई क्या? हाँ मालकिन जी, हो गई। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से एक पेड़ पर चला जाता है जहाँ गौरी कौवी पहले से ही बैठी हुई होती है। कुछ कर पाए कालू या खाली हाथ ही आ गए हो? नहीं गौरी, तुम्हारे बताए अनुसार आज मैंने अपना हाथ साफ किया, वो भी बड़ी ही सावधानी पूर्वक। ये देखो, कुछ पैसे चुराए हैं हमने, इसे लो और जल्द से भाग जाओ। फिर गौरी कौवी अपने घर के लिए और कालू कौवा टूनी के घर के लिए रवाना होते हैं। कालू, ये कुछ पैसे लो और बाजार जाके 50 किलो चीनी लेके आओ। ठीक है मालकिन, अभी लाता हूँ। यह कहकर कालू कौवा चीनी लाने बाजार चला जाता है। कुछ देर के बाद कालू कौवा चीनी लेकर बाजार से रवाना होता है। रास्ते में एक जगह बैठकर कालू कौवा सोचता है। चीनी तो 50 केजी है, अगर इसमें से 2 केजी निकाल लिया तो टूनी को क्या पता चलेगा। यह कहकर कालू कौवा 2 केजी चीनी निकाल कर वहीं पर रख देता है।
अब जाता हूँ, घर लौटते समय 2 केजी चीनी घर लेके चला जाऊंगा। यह कहकर कालू कौवा टोनी के घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कालू कौवा भी अब एक बिल्डिंग बना लिया था। देख रहे हो कालू, अगर तुमने मेरी बात नहीं माने होते तो आज ये बिल्डिंग कहाँ से आता। वो तो है गोरी, अब तो और बड़ा बड़ा हाथ मारूंगा। अब मैं चलता हूँ, अगर देर हुई तो टूनी बुरा भला कहेगी। यह कहकर कालू कौवा टूनी के यहाँ काम करने चला जाता है। कालू कौवा सफाई कर रहा होता है, तभी टूनी चिड़िया बोलती है, कालू आज एक बड़ा काम करना होगा, करोगे? बोलिए ना मालकिन जी, क्यों नहीं करेंगे? आप काम बताओगे और मैं नहीं करूँगा, ऐसा कभी हुआ है क्या? ये लो 50,000 रुपए, और जंगल में 50 परिवार हैं, सबको 1,000 रुपया बांट दो। टूनी की यह बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन बोलता है, लगता है आज बड़ा हाथ मारने मिलेगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे कालू, तुम क्या सोचने लगे हो? अरे मालकिन कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि जंगल में कितने परिवार हैं यह भी आपको पता है, आप कितना ख्याल रखते हैं जंगल के पक्षियों का। ये लो और बांट के आ जाओ, और हाँ, एक भी पक्षियों का परिवार छूटना नहीं चाहिए। फिकर नॉट मालकिन जी, फिकर नॉट, एक एक परिवार को रुपया पहुँचेगा। यह कहकर कालू कौवा रुपया लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधे अपना घर जाता है। अरे वाह कालू जी, इतने सारे पैसे आपको कहाँ मिले? अरे गौरी, टूनी ने ये रुपये जंगल के गरीबों को बांटने के लिए पूरे 50,000 रुपये दिए हैं। कालू मेरी मानो तो इसमें से आधा पैसा रख लो और आधा पैसा जंगल में पक्षियों को बांट दो, इससे हमारा भी फायदा हो जाएगा और जंगल के गरीबों को भी पैसा मिल जाएगा और टूनी को भी पता नहीं चलेगा। नहीं गौरी, अगर पकड़ा गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, यही ना? कोई बात नहीं, अगर जॉब से निकाल दिया तो हम इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अरे वाह गौरी, बेईमानी में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। हाँ वो तो है, अमीर जो बनना है मुझे कालू जी। इस तरह कालू कौवा 25,000 रुपये अपने घर में रख कर 25,000 रुपये लेकर जंगल की तरफ रवाना होता है। जंगल जाकर कालू कौवा आवाज लगाता है, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, टूनी रानी ने तुम सभी परिवारों के लिए कुछ रुपये भिजवाए हैं, आओ आके अपना अपना हिस्सा ले जाओ। कालू की ये बातें सुनकर जंगल की सभी पक्षियां कालू कौवा के पास आ जाते हैं। कितने कितने रुपये मिलेंगे हमें कालू जी? तुम सभी में से प्रत्येक परिवार को 500-500 रुपये मिलेंगे, जल्दी जल्दी 500-500 रुपये लो और जाओ यहाँ से। इस तरह कालू कौवा सभी पक्षियों के परिवार को 500-500 रुपये देकर वहाँ से टूनी के घर आ जाता है। अरे आ गया कालू, सभी को रुपये दिए हो ना, कोई बाकी तो नहीं रह गया? हाँ टूनी मालकिन जी, एक पक्षी बाकी है। वो कौन है कालू? वो मेरी पत्नी गौरी, हम लोग भी तो गरीब है ना मालकिन जी। अरे कालू चिंता क्यों करते हो, ये लो 2,000, तुम्हारा 1,000 और तुम्हारी पत्नी गौरी का 1,000, अब तो खुश हो ना, अब जाओ तुम अपना घर। इस तरह कालू कौवा को फिर से 2,000 रुपये मिल जाता है। गौरी तुम्हें पता है, टूनी ने मुझे फिर से 2,000 रुपये दिए हैं। मैंने कहा कि जब सभी गरीबों को 1,000 रुपये दिए हैं तो हम लोग भी तो गरीब हैं। तब हम दोनों के लिए उसने 2,000 रुपये दिए, सभी से डबल। कालू और मिठू, आज तुम दोनों घर में ही रहना, मैं जंगल के पक्षियों से मिलने जा रही हूँ। अरे मालकिन जी, जंगल जाके आप क्या कीजिएगा, कुछ ही दिन तो पहले आपने उन पक्षियों को 1,000 रुपये देकर उनकी मदद किए, अब उनसे मिलने की क्या जरूरत है? मदद करना अलग बात है और उनसे मिलके बातें करना, उनकी खबर लेना अलग बात है। तुम दोनों अच्छे से देख रेख करना हर चीज की, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया जंगल के पक्षियों से मिलने के लिए रवाना होती है। कुछ दूर जाके टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचती है, अरे रास्ते में ही तो कालू का घर पड़ता है, ऐसा करती हूँ
उनकी पत्नी गौरी से मिल लेती हूँ। यह सोच कर टोनी चिड़िया कालू कौवा के घर चली जाती है। अरे अरे मालकिन टोनी जी, कैसे आना हुआ हमारे इस गरीब की कुटिया में? अरे गौरी, 6 महीना पहले तो तुम लोग झोपड़ी में रहते थे ना, पर इतनी जल्दी इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे खड़ी कर ली? अरे टोनी मालकिन जी, हम दोनों बहुत दिनों से इस घर का सपना देख रहे थे और इसे बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तब टोनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, कहीं ये कालू कौवा हमारे साथ बेईमानी तो नहीं कर रहा, नहीं तो एक नौकर इतनी जल्दी इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना लेगा। अरे मालकिन जी, आप क्या सोचने लगे? अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, जो भी हो घर बहुत खूबसूरत है। अच्छा गौरी, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से जंगल में चली जाती है। इसके वहाँ पहुँचते ही जंगल की सारी पक्षियाँ टोनी के पास आ जाते हैं। अरे मालकिन जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ कबूतर। अच्छा, आप लोगों को किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं होती है ना? अरे मालकिन जी, कैसे परेशानी होगी, पिछले महीने ही तो आपने कालू कौवा से हम सबको 500-500 रुपए भिजवाए थे। 500-500? कालू कौवे ने आप सबको सिर्फ 500-500 रुपए दिए? हाँ मालकिन जी, लेकिन मैंने तो उसे 1-1 हजार रुपए देने के लिए कहा था, तो फिर उसने बाकी का पैसा क्या किया होगा? कबूतर, मीनू और रानू, आप लोग चलिए मेरे साथ, आज कालू कौवे को उसके किए की सजा दिलाती हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया, कबूतर, मीनू चिड़िया और रानू चिड़िया सभी टोनी चिड़िया के घर के लिए रवाना। घर पहुंचकर टोनी चिड़िया कालू कौवा से पूछती है, कालू, तुम्हें 1 महीना पहले जंगल के पक्षियों को 1-1 हजार रुपए देने के लिए मैंने तुम्हें 50 हजार रुपए दिए थे, याद है? हाँ मालकिन जी, याद है। तुमने पक्षियों को उनका पैसा बांट दिया था क्या? हाँ मालकिन जी, उसी दिन मैंने जंगल के सभी पक्षियों को पैसा बांट दिया था। कबूतर, बताओ। जी मालकिन, उस दिन हम सबको 500-500 रुपए कालू कौवे ने दिया था। बता कालिया, बाकी के 25 हजार रुपए तुमने क्या किया? सच सच बता, वरना आज तुम्हारी वो हाल करूँगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे कि हमने किसके साथ गद्दारी किया है। बताता हूँ मालकिन जी, बताता हूँ। अरे वाह कालू जी, इतने सारे पैसे आपको कहाँ मिले? अरे गौरी, टोनी ने ये रुपये जंगल के गरीबों को बांटने के लिए पूरे 50 हजार रुपये दिए हैं। कालू, मेरी मानो तो इसमें से आधा पैसा रख लो और आधा पैसा जंगल में पक्षियों को बांट दो, इससे हमारा भी फायदा हो जाएगा और जंगल के गरीबों को भी पैसा मिल जाएगा और टोनी को भी पता नहीं चलेगा। नहीं गौरी, अगर पकड़ा गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, यही ना? कोई बात नहीं, अगर जॉब से निकाल दिया तो हम इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अरे वाह गौरी, बेईमानी में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। हाँ वो तो है, अमीर जो बनना है मुझे कालू जी। और इतना ही नहीं मालकिन जी, मुझे आपके घर से चोरी करने के लिए भी गौरी ने ही मजबूर किया, जिससे मैंने आपके घर से चोरियां भी की है। इस तरह बेईमानी कर करके ही मैंने अपना बिल्डिंग खड़ा किया है। मिठू जाओ, जाके गौरी को बुला लाओ। फिर मिठू जाता है और गौरी को बुला लाता है। गौरी, तुम्हें आलीशान बिल्डिंग में रहने का बहुत शौक है ना? आप ये क्यों पूछ रहे हैं मालकिन जी? गौरी, तुम्हें नहीं पता हमारी बेईमानी पकड़ा जा चुका है। आज से 1 साल तक कालू कौवा जेल की हवा खाएगा और गौरी कभी इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी। गौरी, ये सब तुम्हारी बुरी सोच के लिए हुआ है। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानता और ना ही चोरी बेईमानी करता तो आज मैं इज्जत की रोटी खा रहा होता। मैं जा रहा हूँ जेल, अब भुगतो अपने करतूतों की सजा। इस तरह कालू कौवा को 1 साल की जेल हो जाती है और 1 साल तक के लिए गौरी कौवी को टोनी चिड़िया का नौकरानी बना दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग बर्ड्स स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। किसी जंगल में टोनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह लीची बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह जंगल जाकर लीची ढूंढती और उसे तोड़कर बाजारों में बेचती।
एक दिन की बात है, हर रोज की तरह वह बाजार में लीची बेच रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी नाम की एक घमंडी चिड़िया आती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, कल तुमने मुझे लीची दिया था, कुछ याद है? हाँ हाँ दीदी, मुझे याद है। पर क्या हुआ बताइए? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे सारे लीची ताजे होते हैं, पर वे लीची तो सड़े हुए थे और मुझे अपने घर पर बहुत डांट पड़ी। तुमने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरे लीची तो खराब हो ही नहीं सकते। मैं रोज जंगल जाकर लीची लाती हूँ और बिल्कुल ताजे ताजे लीची लाती हूँ, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं थोड़े से लीची के लिए झूठ बोलूँगी, मैं अमीर घर की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, समझे? ठीक है दीदी, शायद मेरी लीची ही खराब होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको उसका जुर्माना दे देती हूँ। मैं भी उसके बदले आपको लीची दे देती हूँ, इसे आप ले जाओ, मुझे आप इसका पैसा मत देना। टूनी बहुत भोली चिड़िया थी, उसका फायदा उस चिड़िया ने उठा ली। फिर वह खुशी खुशी लीची लेकर वहाँ से चली जाती है। टूनी घर आ जाती है और सोचती है, पता नहीं टुनटुनी दीदी को मेरी लीची कैसे खराब लग गई। शायद मेरी लीची ही खराब थी। अब मुझे जंगल से अच्छी अच्छी लीची लाने होंगे, मैं एकदम ताजे लीची लाऊंगी, एकदम ताजे, फिर मुझसे किसी को भी शिकायत नहीं होगी। अगर इस तरह चलता रहा तो कोई मुझसे लीची खरीदेगा ही नहीं, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं लीची लाने चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया लीची लाने जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल में काफी देर तक उड़ने के बाद भी उसे लीची नहीं मिलता। फिर वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ा सा लीची का पेड़ दिखता है। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लीची लगे हुए थे। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे तोड़ने के लिए उसके पास चली जाती है। इससे पहले कि वह लीची तोड़ती, उसे आवाज आती है, टूनी तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे पेड़ से लीची मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है, मत तोड़ो टूनी, मत तोड़ो। टूनी उस पेड़ को बोलता हुआ देखकर हक्का बक्का रह जाती है। क्या क्या तुम एक पेड़ हो और पेड़ होकर भी बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? टूनी मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, असल में मैं एक परी हूँ, मुझे एक जादूगर ने पेड़ बना दिया ताकि मैं किसी की मदद ना कर सकूं। जब भी यहाँ कोई आता है वह लीची तोड़कर ले जाता है, पर इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम बहुत दयालु लग रही हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम लीची मत तोड़ो। ठीक है परी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा लीची नहीं तोड़ूंगी, किसी को तकलीफ देकर मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, पर मुझे लीची की बहुत जरूरत है, मैं रोज रोज लीची बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर लीची ढूंढती हूँ। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें लीची तो नहीं दे सकती, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। फिर पेड़ टूनी को एक बड़ा सा लीची देती है। तब टूनी उसे देखकर कहती है, अरे ये लीची तो बहुत ही सुंदर है और ये कितनी अद्भुत है, इतनी बड़ी लीची तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं इस लीची को किसी को भी नहीं दूंगी, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। टूनी तुम मेरी एक बात सुनो, तुम इस लीची को ले जाकर घर में मत रखना, इसे ले जाकर तुम अपने आंगन में लगा देना, फिर दो दिन के बाद इसका कमाल नजर आएगा। फिर टूनी वहाँ से अपना घर चली जाती है और उस लीची को अपने आंगन में लगा देती है और फिर लीची बेचने चली जाती है। इस तरह दो दिन गुजर जाते हैं। फिर जब एक दिन टूनी अपने घर से निकलती है तो वह देखती है कि जहाँ उसने वह लीची बोया था वहाँ तो एक लीची का एक बड़ा सा घर बन चुका था, जो बड़ा शानदार और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अरे ये क्या हो गया, ये तो लीची का एक घर बन गया, मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर टूनी उस घर के अंदर चली जाती है। वह घर के अंदर जाकर देखती है कि वह तो अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी उस घर से आवाज आती है, टूनी मैं इस घर की रखवाली करती हूँ, मुझे तुम्हारी भी रखवाली करनी है, मुझे उस परी ने उपदेश दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। टूनी तुम बहुत दयालु हो, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं,
तुम इस घर से बाहर निकलकर तो देखो, तुम्हारे आंगन में एक बहुत ही बड़ा लीची का पेड़ निकल आया। अब तुम उस पेड़ से लीची तोड़कर आराम से लीची बेच सकती हो और इस घर में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। टूनी बहुत ही खुश हो जाती है। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर देखती है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा लीची का पेड़ निकल आया है जिसमें बहुत सारे लीची लगे हुए थे। अब टूनी की सारी समस्या दूर हो चुकी थी। वह हर रोज उस पेड़ से लीची तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती थी। फिर टूनी बहुत ज्यादा तरक्की कर लेती है और एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है जिसमें वह फल बेचा करती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे ये तो टूनी है, ये तो वही गरीब टूनी है जो टोकरी में फल बेचा करती थी। आज अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? पर ऐसा कैसे हुआ, मुझे इसके बारे में जानना होगा। फिर जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है तो टुनटुनी चिड़िया भी उसके साथ चली जाती है और छुप छुप कर उसका घर देख लेती है और किसी तरह सारी कहानी भी उसे पता चल जाती है। अच्छा तो ये बात है, अब मैं भी जंगल में उस लीची के पेड़ के पास जाऊंगी और उससे एक बड़ा सा लीची मांगूंगी, तब मेरे पास भी एक ऐसा शानदार घर होगा। फिर क्या था, टुनटुनी चिड़िया लालच में वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है और उस लीची के पेड़ के पास चली जाती है। तब लीची का पेड़ बोलता है, रुको रुको बच्ची, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पेड़ में से लीची तोड़ने तो नहीं आई? देखो तुम मेरी लीची मत तोड़ना, उसके बदले में तुम जो कहो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुमने जो टूनी को एक बड़ी सी लीची दी थी वह लीची मुझे तुम दे दो, मुझे एक शानदार लीची का घर चाहिए। नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अरे मैं तुम्हारी मदद ऐसे कैसे कर सकती हूँ, टूनी बहुत ही गरीब थी इसलिए मैंने उसकी मदद की थी, पर तुम तो एक अच्छे खासे घर की लग रही हो, तुम्हें इस मदद की क्या जरूरत है? जाओ मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। सोच लो अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा पेड़ काट लूँगी। वो समझ जाती है कि टुनटुनी बहुत लालची है, उसने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। ठीक है तुम मुझे मत काटना, मैं तुम्हें एक बड़ा सा लीची देती हूँ। ऐसा कहकर वह टुनटुनी को एक लीची देती है। उसे देखकर टुनटुनी कहती है, ये क्या है परी, ये तो सड़ा हुआ लीची है, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम मेरे साथ धोखा करना चाहती हो? अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहती। दरअसल बात यह है कि यह जादुई लीची है, यह जितना ही खराब होता है उसमें से उतना ही सुंदर घर निकलता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। तुम्हारा घर तो टूनी से भी बड़ा होगा, जाओ ले जाओ इसे और अपने आंगन में लगा दो। टुनटुनी परी की बात को सच मान लेती है और वह लीची लेकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर वह लीची को गाड़ देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। दो दिन के बाद जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि वहाँ पर लीची का एक बहुत ही सुंदर घर निकल आया। तब वह बहुत खुश होती है और उस घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई डंडा आता है और टुनटुनी चिड़िया की खूब पिटाई है। अरे नहीं नहीं, कौन मुझे मार रहा है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो मुझे? ऐसी क्या गलती की है मैंने? छोड़ दो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, कृपया करके मुझे छोड़ दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तभी वह डंडा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर टुनटुनी जल्द ही उस घर से निकल जाती है और अपना पहले वाला घर में जाना चाहती है। तभी वह देखती है कि वहाँ तो उसका घर है ही नहीं। अरे ये क्या हो गया, मेरा घर कहाँ चला गया? मेरा घर तो यहाँ पर है ही नहीं, मेरा घर कैसे गायब हो गया, ये क्या हो गया? तभी जादुई लीची के घर से आवाज आती है, टुनटुनी तुम एक बहुत ही लालची चिड़िया, तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। टुनी तो बहुत अच्छी थी, वह बहुत ही गरीब थी, आज भी वह बहुत दयालु है और ईमानदार है और आज भी वह दूसरों की मदद करती है, और तुम तो सिर्फ लालची हो लालची। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर था फिर भी तुम और भी शान और शौकत पाना चाहती थी। अरे अगर तुम्हें और ज्यादा शान और शौकत चाहिए ही था तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस तरह जबरदस्ती किसी से कोई चीज लूटना चाहिए। तुम्हें इसी का फल मिला, जाओ अब तो तुम्हारा खुद का भी घर गायब हो गया, अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। और सच में टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो भी जाता है, उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है
और इधर टोनी चिड़िया आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।